हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शैल गुप्ता है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इसके अलावा मैं एक लाइफ कोच भी हूँ और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कोरोना वायरस के बारे में, और मैं एक कोरोना पेशेंट भी हूँ। तो आज मेरा 10th डे है सिम्टम्स का, और फीवर मुझे लगभग 8 साढ़े 8 दिन रहा इनमें, और काफ़ी हाई ग्रेड फीवर रहा, मतलब तकरीबन 100 से तो ऊपर, हमेशा 102, 101, कभी थोड़ा इससे भी ऊपर। तो कुछ गलतियां मैंने करी इस दौरान, कुछ गलतियों से मैंने सबक लिए, सीखे, वो क्या चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट, ये सब जानना ज़रूरी है। मैं सोचता था मैं डॉक्टर हूँ और मुझे काफ़ी कुछ पता है, और मैं हीलर भी हूँ, तो मैं काफ़ी हद तक अपने डरों के पार जा चुका हूँ, और ये इसको पॉजिटिविटी से कैसे मैं हैंडल कर सकता हूँ, ये मेरे लिए आसान होगा, पर यकीन मानिए इतना आसान नहीं था। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, और चाहूँगा जो गलतियाँ मैंने करी वो आप ना करें। और इसके अलावा एक फैमिली की ताकत है, ख़ासतौर से इंडियन सिनेरियो में। हम एक संयुक्त परिवार में रहते हैं जिसका कि बहुत फ़ायदा है इस तरीके की विषम परिस्थितियों में, उसका इस्तेमाल भी कैसे करें, और एक मुट्ठी की तरह मिलकर इस कठिन परिस्थिति का आप सामना करें। भी 4 जनरेशन्स हैं और हम सबको, 8 लोगों को ये कोविड हुआ, और मेरे जिसमें कि सबसे ज़्यादा चिंता जो थी वो ओल्ड जनरेशन, मेरे दादा दादी जो कि 90 से लेके 95 के एज ग्रुप के बीच के हैं, मेरे मम्मी पापा 70 से 75 के बीच के एज ग्रुप के हैं, मैं और मेरी वाइफ, वो हम लोग 44-45 के आसपास हैं, और बच्चे। तो जाहिर है कि ये चारों एज ग्रुप में डिफरेंट तरीके के सिम्टम्स बनते हैं, और उनके अलग तरीके के, अलग किस्म के चैलेंज होते हैं। कैसे हमने इसको कोप किया, क्या चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, मैं आपको सब डिटेल में बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो लंबा ज़रूर होगा, पर इसको एंड तक देखिए, आपके बहुत सारे समाधान करेगा, समस्याओं के, सवालों के जवाब देगा। तो कॉपी पेन रखिए अपने पास और नोट करते जाइए जो जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और इस वीडियो को रिपीट करके कई कई बार देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस बीमारी को ठीक करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जैसे कि बॉडी, तो कैसे हम अपने शरीर, मन और अचेतन हायर कॉन्शियस को, तीनों को मिला के जब कंबाइन करके इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत आसान होगा हमारे लिए इस बीमारी के पार जाना। पड़ता ही है तो क्या चीज़ें हैं जो आपके पास होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट हैं, नहीं है तो कोशिश करें कि ये आप अरेंज करें। तो ऑब्वियसली ये एक थर्मामीटर है, डिजिटल या नॉन डिजिटल जैसा भी थर्मामीटर है, आप यूज़ कर सकते हैं, करना चाहिए, अपने फीवर को रिकॉर्ड करें अगर आपको सिम्टम्स शुरू हो गए हैं, बहुत ज़रूरी है। जनरली देखा जा रहा है ज़्यादातर लोगों को तो बहुत माइल्ड फीवर आता है, एक आध दिन रहता है और उतर जाता है, तो ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर परेशानी नहीं होती है और ये लोग धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि कुछ सिम्टम्स जैसे माउथ अल्सर्स के तौर पर भी आते हैं, और कुछ लोगों को कभी कभी डायरिया के फॉर्म में भी आ रहे हैं। एनोस्मिया यानी कि जो स्मेल का आपका सेंसेशन है, वो ज़रूरी नहीं है कि सब में ख़त्म हो और इमीडिएटली शुरू में ही ख़त्म हो, ऐसा नहीं है, हो सकता है बाद में ख़त्म हो वो आपको। और ये भी चीज़ देखने में आ रही है मुझे, जैसे मैं अपना आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मुझे फीवर, मुझे शुरू में थोड़ा इन्फेक्शन हुआ जिसमें कि नज़ला ज़ुकाम रहा और बॉडी एक रहा, और उस दौरान मेरी फैमिली में कई लोगों को कोविड पॉजिटिव वो हो गए थे, तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे भी हो ही गया है, और मुझे, मैंने हालांकि अपना टेस्ट कराया
तो नेगेटिव आया, मुझे लगा ये फॉल्स नेगेटिव हो सकता है, हालांकि आरटीपीसीआर टेस्ट था, बट काफ़ी फॉल्स नेगेटिव सेकेंड वेव में अब देखने को मिल रहा है। और पर कुछ समय के बाद जब सबका ठीक हुआ घर में, उसके बाद मुझे अफेक्ट किया। तो ऐसा क्यों हुआ? प्रोबेबली एक कोई और मैंने इन्फ्लुएंजा वायरस को कैच किया होगा, और ऐसा होने पर वो वायरस आपको कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देगा, बहुत टेम्प्रेरी, जितने समय वो आपके पास है वहाँ बॉडी में। और इसी वजह से मुझे उस वक्त कैच नहीं किया, थोड़े समय के बाद कैच किया। तो अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि भाई मुझे सर्दी जुकाम हो गई और इतना कोरोना फैला हुआ है तो कोरोना ही होगा, तो ज़रूरी नहीं है कि ये कोरोना ही हो। मैं ये गलती डॉक्टर होते हुए कर चुका हूँ, तो आप सीखिए मेरी गलतियों से भी। हम सब एक दूसरे की गलतियों से सीख रहे हैं, हम सब ही सीख रहे हैं। तो थर्मामीटर के बाद जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट मशीन होता है वो ये पल्स ऑक्सीमीटर रहता है। इसके अंदर आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन ऐसे यहाँ पर लगा के आप चेक करते हैं, और अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन और पल्स रेट दोनों इसके अंदर आते हैं। तो ऑक्सीजन सैचुरेशन अपना बेसलाइन ऑक्सीजन सैचुरेशन, जैसे अगर अगर घर में अभी किसी को कोरोना नहीं भी हुआ है तो आप अपना ये देखिए, जैसे आप इसमें देख रहे हैं मेरा ये 98 ऑक्सीजन सैचुरेशन आ रहा है, और 77 के करीब ये मेरा 75 पल्स रेट आ रहा है। तो अगर किसी के पास ये पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, तो आजकल स्मार्टफोन्स के अंदर भी ऐप होती है, आप यूट्यूब करेंगे देखेंगे तो उसके अंदर भी, हालांकि वो उतना एक्यूरेट नहीं होता बट एक रफ आइडिया तो आपको लग ही जाता है। तो जब तक नहीं अरेंज कर पा रहे हैं, आप अपने स्मार्टफोन में ऐप डाल के यूज़ कर सकते हैं, एंड्रॉयड एप्पल कोई भी फ़ोन आराम से, सब में ये ऐप होते हैं। इसके अलावा आपके पास एक स्टीमर ज़रूर होना चाहिए, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रोटेक्शन देने के लिए। आपको दिन में 3-4 बार ज़रूर से स्टीम लें, और भी ज़्यादा ले सकते हैं। मेरी मदर को जब हुआ उन्होंने सबसे ज़्यादा स्टीम लिया और बहुत जल्दी रिकवर की, जबकि उनको कुछ और लंग प्रॉब्लम भी पहले रह चुकी है। और दूसरा उन्होंने एक और काम किया था जो मैंने भी किया और मुझे भी अच्छा सही समझ में आया और बेहतर लगा, कि उसमें थोड़ा सा अजवाइन मिला दिया पानी में और तब उसका इस्तेमाल किया स्टीम के लिए। थोड़ा अगर आप देख रहे हैं वो बॉयल जल्दी होगा, और अजवाइन के फ़ायदे आपको मिलेंगे इनहेल करने में, बहुत फ़ायदा करेगा। ध्यान से करिएगा, कई बार पानी बाहर निकल आता है उसमें से बबल्स के तौर पर, तो थोड़ा कम अजवाइन डालें, डाइल्यूट कर लें उसको। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत इजीली अवेलेबल है और जो फ़ायदा करती है, और मैं पर्सनली यूज़ करके चुका हूँ, इसको बता रहा हूँ, एक पोटली मैंने बनाई हुई है, इसके अंदर अजवाइन, लौंग और कैम्फर यानी कपूर जो होता है, जो पूजा में यूज़ करते हैं बहुत, वो डाला है। और कैम्फर की तो अपने आप में भी बहुत अद्भुत प्रॉपर्टीज़ रहती हैं प्योरीफाई करने की, और ये मैंने खुद देखा। मेरे दादाजी का जब ऑक्सीजन सैचुरेशन गिरा, उनका करीब 80 तक भी ऑक्सीजन सैचुरेशन पहुंच गया था, और वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर नहीं लगवाना चाह रहे थे, नहीं लगा रहे थे, बार बार हटा रहे थे। तो ये सिर्फ ये इसको सूंघने से ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाते हैं, बहुत बेहतर हो जाते हैं, और ये आप सबके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, अच्छा रहेगा। घर के सब सदस्य रखे, घर के कुछ एकाध जगह पे बेड के पास, बीमार व्यक्ति के बेड के पास कोशिश करें कि आप ये रख दें, कैम्फर अलग से रख दें, तो फ़ायदा होगा। इसके अलावा जब आप एक और नेचुरल चीज़ों की हम बात करते हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, सनलाइट। कई लोग ऐसा देख रहे हैं हम कि वो बिल्कुल धूप, ऑब्वियसली मुझे भी हुआ और मैंने देखा कि ये बहुत तोड़ देता है शरीर को, और हिम्मत नहीं बचती बॉडी में उठने की, ताकत नहीं बचती कुछ बोलने की करने की, बस ऐसे लगता है कि पड़े रहें। सबको एक जैसे सिम्टम नहीं होंगे, हाँ जिनको होंगे वो जानते हैं, मुझे हुए।
पर फिर भी मैं बोलूँगा, मैं कर रहा था ऐसा कि अपने छत पे जाके, जिनके पास छत नहीं है वो बैलकनी में, नहीं तो घर के बाहर ही थोड़ी देर खड़े होके सनलाइट ले, सनलाइट सन बाथिंग ले सकते हैं तो वो लें थोड़ी देर के लिए, बहुत फ़ायदा रहेगा। सुबह उगते सूरज की ले लें, बहुत अच्छा रहेगा। और उस दौरान जीभ बाहर निकाल के, सिंहासन होता है एक, उस या तो प्रॉपर सिंहासन नहीं आता तो सिंपल बस जीभ बाहर निकाल के ब्रीद इन ब्रीद आउट करें, ये काफ़ी फायदा करेगा। ये आपको जैसा हम जानते हैं कि सनलाइट में बहुत अच्छी डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी रहती है और किसी भी तरीके के कीटाणुओं को मारने की क्षमताएं रखती है, ये बहुत हेल्प करती है। आयुर्वेद का बहुत पुराना योगा का नुस्खा है ये, इसको ज़रूर करें, ये फायदा करता है। प्राणायाम कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा खुली हवा में सांस ले रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। घर में हर वक्त एसी चला के बिल्कुल ना बैठे, आपके एक फैमिली मेम्बर से बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स को एसी की वजह से सीधा लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। मास्क लगा के रखें, फैमिली में एक को हुआ है तो कोशिश करें, अगर बीमार व्यक्ति मास्क लगाए तो ठीक, नहीं और सबको तो लगाना ही है, उन बीमार व्यक्ति को भी लगाना ज़रूरी होता है। पर जो लोग सीरियसली बीमार हैं और जो ऑब्वियसली ब्रीद नहीं कर पा रहे, जूझ रहे हैं उससे, तो वो तो मास्क नहीं लगाएंगे ऑब्वियसली। तो पर आप जब उनके पास उनकी सेवा के लिए जा रहे हैं तो आपको ज़रूर मास्क लगा के रखना है। आपके घर में अगर मेड है कोई, हेल्प है डोमेस्टिक, और आप उनको उनसे हेल्प करा रहे हैं तो उनको भी ज़रूर एक अच्छा N95 मास्क उस समय दें ताकि वो लगा के तब जाएँ, ऐसे ना जाएँ, वरना बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है बीमारी का, जो कि आपको इन्फेक्शन हो गया पर सिम्टम्स डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके फैमिली में 8 लोग हैं और पहले बंदे को इन्फेक्शन होने से दूसरे या लास्ट बंदे में इन्फेक्शन होने में 15 से ज़्यादा दिन भी लग जाएं, तो ऐसा संभल के इसलिए रहना ज़रूरी है। आगे भी जब बाहर निकलें, आपके घर में इन्फेक्शन है आपको मालूम है, बाहर निकलें तो ऑब्वियसली सब मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप डबल लेयर मास्क का इस्तेमाल करें। कुछ खरीदने जा रहे हैं अपने साथ सैनिटाइज़र ज़रूर रखें, हाथों को सैनिटाइज़ करें फिर कुछ खरीदें, वरना आप स्प्रेड करेंगे इन्फेक्शन को, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो जब भी आप ये चीज़ें कर रहे हैं या जो जैसे डाइट ले रहे हैं, स्पेशली हल्की डाइट रखें, नारियल पानी, मौसमी का जूस, नींबू पानी, ये चीज़ें बहुत फ़ायदा कर रही हैं। ग्रीन सैलेड, कुछ टमाटर वगैरह, जो भी सीजनल फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, ब्रोकली, जो भी सीजनल बीन्स, कैसी भी, ये सब बहुत फ़ायदा कर रही हैं। स्टे अवे फ्रॉम चीज़ या प्रोसेस्ड फूड, ये सब कम लें। रोटी या अन्न का सेवन लिमिटेड मात्रा में करें। आप देखिए बहुत सारे लोगों को जब आप ये कोविड होता है तो, या कोई भी और भी इन्फेक्शन होता है बॉडी में, तो हमें खाने में टेस्ट नहीं आता। ये एक नेचर का मैकेनिज्म है कि आप को खाने में स्वाद ही ना आए, तो जो स्वाद की वजह से आप खाते हैं वो ना खाएं, और तक क्योंकि बॉडी चाहती है कि आप कम खाएं उस समय, ताकि बॉडी अपनी इम्यूनिटी की जो पावर है उससे, इन्फेक्शन से आपकी बचाव कर सके और वो उसको स्पेंड ना करनी पड़े अपनी एनर्जी खाने को पचाने में। तो कम खाएं ये, और लिक्विड जितना उतना अच्छा, हाइड्रेट करना आपको अपने आप को बहुत ज़रूरी है। कुछ कोगुलोपैथीज भी कोविड के साथ देखी जाती हैं, जिसमें खून गाढ़ा हो जाता है और जगह जगह एम्बोलिक अटैक्स हो सकते हैं आपको। कुछ लोगों को MI हो जाता है इसमें, ये सब चीज़ें। तो अभी मैं बोल रहा था कि प्राणायाम करें, उसका फ़ायदा होता है। आप में से जो लोग स्मोक करते हैं, प्लीज़ कृपा करके इस समय स्मोकिंग छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। हमारे टेनिस ग्रुप में एक दोस्त होते थे जो फर्स्ट वेव में कोविड की, जिनकी डेथ हो गई। अच्छे फिट रहते थे, खेलते थे, सब कुछ करते थे, बट एक बुरी आदत थी, स्मोकिंग बहुत करते थे। तो और जैसा आप जानते हैं कि ये बीमारी लंग्स की बीमारी है,
तो प्राणायाम, स्टीम, सनलाइट, ये सब आपको बहुत फायदा करेगा। और एक चीज जो इन सब में सबसे ज्यादा फायदा करेगी वो है ग्रैटिट्यूड। तो फिर बोलूंगा, जब आप शिकायतों से भरते हैं अपने आप को, चाहे वो सिस्टम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, डॉक्टर्स के लिए, किसी के लिए भी, तो आप ग्रैटिट्यूड से दूर जा रहे हैं। ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रिया। तो जब आप ये चीज़ें खाने में लें, पानी पिए, आप उसका शुक्रिया करें और देखिए कैसे कि ये शुक्रिया आपको मदद करेगा हील करने में और बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसलिए बजाय अपने आप को कंप्लेंट बॉक्स बना के घूमने के और कंप्लेंट बॉक्स वाली चीज़ें इधर उधर ग्रुप्स में घुमाने के, आप पॉजिटिव चीज़ें ग्रुप में घुमाओ। एक दूसरे को ज़रूरत है इस समय आपकी। आपके सरकास्टिक कुछ भी अगर आप डाल रहे हैं, कर रहे हैं, इट इज़ नॉट हेल्पिंग द अदर पर्सन। तो कुछ इन्वेस्टिगेशन शायद आपने नाम सुना होगा, CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट, CRP रिएक्टिव प्रोटीन, LDH सीरम फेरेटिन और IL-6 डी डाइमर, ऐसे कुछ टेस्ट हैं जो इससे संबंधित हैं और करे जाते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि सब टेस्ट कराने हैं। और इनमें से कुछ टेस्ट काफ़ी महंगे भी हैं और जिनकी आपको कोई ज़रूरत भी नहीं है। सो दिस इज प्रोन पोजिशन, वन स्मॉल पिलो बिहाइंड बिलो योर हेड, देन द नेक इज देन द नोज इज फ्री, नाक फ्री रहेगा यहाँ से, फिर एक पिलो जो चेस्ट को दबाता है, पेट फिर फ्री है, और फिर नीचे आपके पैरों को सपोर्ट दिया ताकि पेट फ्री रहे, तो एब्डोमिनल ब्रीथ होगा, डायफ्राम को ज़्यादा मूव करने का मौका मिलेगा और आपका ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ता जाएगा। तो प्रोन पोजीशन कहते हैं इसको, इसमें ट्राई करिए। जो जो बातें मैंने बताई हैं इस वीडियो को, लंबा वीडियो था, पर बात देखिए, रिपीट करिए, नोट्स बना लीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। मैं एक नोट्स के फॉर्म में भी ये साथ में भेजूंगा लिखा हुआ, तो जो लोग वीडियो ना देख पा रहे हो इतना लंबा वो करें, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हो सकता है इसको शेयर करें, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। और साइंस और फेथ का ओशो ने कहा है, मैं बहुत मानता हूँ ओशो को, उन्होंने कहा है कि साइंस और रिलीजन के बीच में अगर कभी कोई ब्रिज का काम करेगा तो वो एक फिजिशियन ही कर सकता है, और मैं समझता हूँ इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को। और साइंस एक विज्ञान है, एक कला है सत्य को खोजने की, और जहाँ सारी खोज खत्म हो जाती है वहाँ वो जगह है धर्म, रिलीजन। तो धर्म वो नहीं होता जो मंदिर मस्जिद में बैठ के, गुरुद्वारों में बैठ के करते हैं, वो धर्म का कोई लेना देना नहीं। धर्म है खुद को जानना, और जब आप मुश्किल समय में होते हैं तब खुद को जानने की जितनी कोशिश करेंगे उतना आपको फायदा हो। थैंक यू, लव योर सेल्फ एंड स्टे।